मेरा नाम जगदीश है और पिछले 10 सालों से मैं ट्रक चलाने का काम कर रहा हूं। मगर उस रात मैंने जो देखा, जो महसूस किया, वो पिछले 10 सालों में मैंने कभी भी नहीं किया था। उस रात को याद करते ही आज भी मेरी रूहें कांपने लगती हैं और पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। दरअसल बात आज से तकरीबन 4 साल पुरानी है। उन दिनों सर्दियों का मौसम चल रहा था, आम सर्दियां नहीं, दिसंबर के आखिरी हफ्ता की सर्दियां, कड़ाकेदार और जमा देने वाली। उस रात मैं और मेरा खलासी, हम दोनों ईंट से भरी ट्रक को लेकर सहारनपुर ले जा रहे थे। अमूमन ये सब काम मैं रात में ही करता था, क्योंकि रात में दिन के मुकाबले ट्रैफिक काफी कम होता है, या यूं कह लें ठंड के मौसम में तो होता ही नहीं है। उस रात भी नजारा कुछ ऐसा ही था। पूरा का पूरा हाईवे खामोशी की चादर में लिपटा हुआ था। मेरी ट्रक के अलावा बस एकाध ट्रकें ही हाईवे पर नजर आ रही थी। मेरा खलासी राजू मेरी बगल वाली सीट पर ऐसे दुबक कर बैठा हुआ था जैसे दुनिया भर की सारी ठंड उसे ही लग रही हो, पर मुझे उतनी ठंड नहीं लग रही थी। मैं बड़े आराम से ट्रक चला रहा था। अभी मैं ट्रक चला ही रहा था कि तभी बगल वाली सीट पर बैठे खलासी राजू ने कहा, उस्ताद आज ठंड थोड़ी ज्यादा नहीं है? इस पर मैंने कहा, तुझे ही लग रही है भाई, मुझे तो नहीं लग रही उतनी ठंड। हालांकि मुझे ठंड नहीं लग रही थी, मगर रास्ते पर कोहरा इतना फैला हुआ था कि सामने का कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं था। बहुत मुश्किल हो रही थी देखने में। अभी मैं किसी तरह मुश्किल से हाईवे पर गाड़ी चला ही रहा था कि तभी राजू बोला, उस्ताद किसी ढाबे पर गाड़ी रोकना, जरा चाय वाय पीते हैं। इस पर मैंने बोला, अबे क्या यार, एक तो पहले ही देर हो रही है, ऊपर से ढाबे पर रुकवा रहा है तू। मेरी इस बात पर राजू ने कहा, क्या उस्ताद आप भी ना मालिक की बात पर आप इतना गौर क्यों करते हो? उसका तो काम है बोलना, वो तो बोलेगा, हम लोग अपने हिसाब से चलेंगे ना। बहसबाजी में ना कभी मैं राजू से जीता था और ना ही जीत पाऊंगा, जिस वजह से मुझे राजू की बात माननी ही पड़ी। लिहाजा मैंने ट्रक को वहीं पास ही में एक ढाबे पर रोका और हम लोग ट्रक से उतरकर ढाबे में चले गए। क्योंकि वो ढाबा ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए उसमें लोग भी बहुत ज्यादा नहीं थे। हमारे अलावा एक या दो लोग ही रहे होंगे। हम दोनों ने वहां पर कुछ देर भट्टी में आग का मजा लिया और चाय पीकर वहां से निकल ही रहे थे कि तभी उस ढाबे वाले ने कहा, कहाँ जाइएगा साहब आप? इस पर मैंने जवाब दिया, जी मैं तो ट्रक लेकर सहारनपुर जा रहा हूं। इस पर उस ढाबे वाले ने कहा, इस वक्त आप उस रास्ते से सहारनपुर जाइएगा? आप यहाँ नए नए आए हैं लगता है, आपको मालूम नहीं है यहाँ से सहारनपुर जाने वाले रास्ते को कोई भी रात 12 बजे के बाद पार नहीं कर सकता, क्योंकि उस रास्ते के बरगद के पेड़ों में शैतानों का वास है। उस ढाबे वाले की बात सुनकर मुझे बहुत तेज हंसी आ रही थी। मैं बस किसी तरह से खुद को हंसने से रोके हुए था, क्योंकि उस वक्त तक मैं भूत प्रेत इन सारी चीजों पर जरा भी यकीन नहीं करता था। मुझे ये सारी बातें बकवास लगती थीं, जिस पर मैंने उस ढाबे वाले से कहा, ठीक है जाते जाते बरगद वाले शैतान से भी मिलता जाऊंगा। इतना कहकर मैं उस ढाबे से निकल गया। मैंने ढाबे पर जब ये बात बोली तब वहां मौजूद सारे लोग हैरान होकर मेरा चेहरा देखने लगे। उस वक्त मैं सबके सामने हिम्मत वाला साबित तो हो गया था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि अभी आगे मेरे साथ क्या होने वाला है।
मैं और राजू हम दोनों चलते हुए ट्रक में आए। मैंने ट्रक को चालू किया और हम लोग सहारनपुर की तरफ आगे बढ़ने लगे। वो रास्ता जिसके बारे में वो ढाबे वाला बता रहा था वो अभी थोड़ी दूर था। इतने में ही मेरी नजर राजू की तरफ उसके चेहरे पर गई तो मैंने देखा कि राजू का चेहरा अब काफी परेशान सा दिखने लगा है। अंदर ही अंदर वो किसी सोच में गुम था, जिस पर मैंने राजू से कहा, राजू क्या सोच रहा है तू? इस पर राजू ने कहा, उस्ताद मालिक को फोन करके बोल दें, कल सुबह डिलीवरी कर देंगे। इस पर मैंने राजू से कहा, पागल वागल तो नहीं हो गया तू? मालिक खा जाएगा हमें, ऐसा नहीं कर सकते हम। इस पर राजू ने कहा, पर उस्ताद वो लोग बोल रहे थे कि वहां जाना ठीक नहीं है उस रास्ते पर। इस पर मैंने कहा, उनकी बात क्यों सुन रहा है तू, वो तो कुछ भी बोलेंगे। इतना कहकर मैंने ट्रक की रफ्तार को गुस्से से और भी ज्यादा बढ़ा दिया। कुछ ही देर में हमारी ट्रक उस रास्ते पर पहुंच गई जिसके बारे में सब लोग बता रहे थे। वो रास्ता हाईवे नहीं था, उस रास्ते के अगल बगल इतना घना जंगल था कि रास्ता बहुत ही छोटा नजर आ रहा था। हमारी ट्रक के आगे पीछे उस रास्ते पर दूसरी कोई गाड़ी नहीं थी। हालांकि मैं काफी सालों से ट्रक चला रहा था मगर इतना सुनसान रास्ता मैंने उस रात अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। रास्ते पर स्ट्रीट लाइट का भी कोई नामो निशान नहीं था। कहीं ना कहीं मेरे मन के एक कोने में एक अजीब सा डर पनपने लगा था मगर मैं उस डर को बयां नहीं करना चाहता था। मैं राजू को नहीं बताना चाहता था कि मैं डर रहा हूं। अभी मैं तेजी से उस ट्रक को उस रास्ते पर भगा ही रहा था कि तभी अचानक से हमारी ट्रक का बैलेंस बिगड़ने लगा और ट्रक एक तरफ झुकने लगी। मैंने किसी तरह बड़ी मुश्किल से ट्रक को रोका, वरना ट्रक को पलटने में ज्यादा समय नहीं लगता। हमें समझ आ गया था कि क्या हुआ है, लिहाजा मैं और राजू हम दोनों टूल बॉक्स और पाना लेकर ट्रक से नीचे उतरे तो सच में हमारी ट्रक का पिछला टायर पंचर हो चुका था। खैर हमारे पास एक्स्ट्रा टायर भी था और सारा सामान भी, तो हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं नीचे झुककर उस पंचर टायर के नट बोल्ट ढीले करने लगा। अभी मैं नट बोल्ट ढीले कर ही रहा था कि तभी मेरे पास खड़े राजू ने कपकपाती आवाज में मुझसे कहा, उस्ताद वो देखो बरगद का पेड़, हमारी ट्रक इस पेड़ के पास क्यों खराब हुई? मैंने राजू के इशारे की तरफ देखा तो सच में हमारी ट्रक एक बरगद के पेड़ के पास खराब हुई थी, जो कि काफी हैरानी वाली बात थी। मगर मैंने राजू को ये कहकर टाल दिया कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है जो कि हर किसी इंसान के साथ हो सकता है, जिसके बाद हम दोनों ने मिलकर फटाफट टायर चेंज कर दिया और ट्रक लेकर आगे बढ़ने लगे। हम लोग ट्रक लेकर जैसे ही वहां से थोड़ा आगे गए कि तभी अचानक रास्ते के अगल बगल मुझे सिर्फ बरगद के पेड़ ही पेड़ नजर आने लगे। जहां तक मेरी नजर जा रही थी सिर्फ और सिर्फ बरगद के पेड़ दिख रहे थे। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी मैंने राजू से पूछा, राजू तुझे रास्ते के किनारे बरगद के पेड़ नजर आ रहे हैं क्या? इस पर राजू बोला, हाँ उस्ताद आपको भी दिख रहे हैं क्या? अभी राजू ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक से मुझे सब कुछ उल्टा नजर आने लगा और ट्रक एकदम से रुक गई। हम दोनों अपने शरीर का भार पीछे की तरफ महसूस कर पा रहे थे, लिहाजा हम दोनों फटाफट जैसे तैसे ट्रक से बाहर निकले तो हमने जो देखा वो देखकर
हमारा पूरा बदन कांपने लगा, हमारे रगों में खून की जगह डर दौड़ने लगा, क्योंकि हमारा ट्रक रास्ते पर पलटा हुआ था। मगर ये कैसे हो सकता है? बिना किसी एक्सीडेंट के हमारी ट्रक कैसे पलट सकती है? ऐसा लगा जैसे किसी ने अपनी हाथ से ट्रक को पलट दिया हो। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रक कोई खेलने की चीज नहीं है जो कोई हाथ से पलट देगा। तभी फिर से राजू ने अपनी कपकपाती आवाज में कहा, उस्ताद वो देखो बरगद का पेड़। मैंने जब उसके इशारे की तरफ देखा तो पाया कि इस बार भी जहां हमारी ट्रक पलटी है वहां पास ही में एक बरगद का पेड़ है। हमें समझ आ गया कि यहां दाल में कुछ तो काला है, जिस वजह से हम दोनों ने उसी वक्त वहां से दौड़ लगा दी। भागते हुए हम सीधे उस चाय की दुकान पर पहुंचे और सबको सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर वहां मौजूद एक आदमी ने कहा कि दरअसल उस रास्ते में जितने भी बरगद के पेड़ हैं उनमें शैतानों का वास है। रात 12 बजे के बाद उन्हीं के बच्चे रास्ते पर खेलते हैं, इसलिए उस वक्त कोई भी गाड़ी उस रास्ते को पार नहीं कर सकती। उस दिन सुबह से ही बारिश काफी तेज बरसे जा रही थी, जिस कारण मैं काम पर भी नहीं जा पाया। घर पर बैठे बैठे मैं काफी बोर हो रहा था, मगर किया भी क्या जा सकता था। फिर जब बारिश रुकी तब तक अंधेरा हो गया था, जिस पर मैंने सोचा क्यों ना मोहन काका की चाय की दुकान पर सभी दोस्तों के साथ जाया जाए और बैठकर कुछ देर गप्पे लड़ाया जाए। जिसके बाद मैंने तुरंत ही अपने दोस्त राहुल को कॉल किया और बोला, राहुल घर पर बैठे बैठे मन नहीं लग रहा यार, तो एक काम करना, तू सभी दोस्तों को लेकर मोहन काका की चाय की दुकान पर पहुंच, मैं भी आता हूँ, बैठकर कुछ देर गप्पे लड़ाएंगे। जिस पर राहुल ने कहा, ठीक है मैं सभी को लेकर पहुंचता हूँ, तू भी जल्दी आ। मैं फटाफट से रेडी हुआ और घर पर आता हूँ बोलकर बाइक स्टार्ट करके निकल गया। मेरे घर से मोहन काका की दुकान लगभग 15 से 20 मिनट की दूरी पर थी, मगर मैं बाइक धीरे ही चला रहा था क्योंकि सड़क पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। 15 मिनट का सफर 25 मिनट में पूरा करने के बाद मैं मोहन काका की चाय की दुकान पर पहुंचा, जहां मेरे सभी दोस्त मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया और हम सभी लोग आपस में बातें करने लगे। बात करते करते कब 2 घंटा गुजर गया पता ही नहीं चला। जिसके बाद राहुल ने कहा, यार अब हमें घर चलना चाहिए और रात भी काफी हो गई है। राहुल की बात सुनते ही मैंने अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का, जिस पर मैंने सभी से कहा, हाँ यार अब हमें निकलना चाहिए। जिसके बाद हम सभी लोग अपने अपने घर की ओर निकल पड़े। सुबह से ही काफी तेज बारिश होने के कारण पूरे गांव की बिजली गुल थी। मुझे घने अंधेरे का पता तब चला जब मैंने बाइक स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी बाइक स्टार्ट करते ही मेरी हेडलाइट की रोशनी को अंधेरे ने चारों तरफ से घेर लिया। मैं बाइक लेकर उस अंधेरे से घिरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। उस रास्ते पर दूर दूर तक मेरे अलावा ना तो कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई जानवर। सन्नाटा तो इस कदर फैला हुआ था कि मुझे साफ साफ रात कीड़ों की आवाज भी सुनाई पड़ रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते पर फैला सन्नाटा एक पल को बिजली कड़कने की आवाज से टूट गया और साथ ही बूंदाबांदी बारिश भी शुरू हो गई। बारिश में भींगने के डर से मैंने बाइक को थोड़ा स्पीड कर दिया। अभी मैं बाइक भगा ही रहा था कि तभी अचानक से मेरी बाइक के सामने एक औरत आ गई। मैंने ब्रेक मारकर बाइक रोकने की बहुत कोशिश की,
मगर बाइक रुकी नहीं और उस औरत को टक्कर मारते हुए नीचे गिर गई। उस औरत को इस तरह से रास्ते के बीचों बीच आता देख मैं काफी गुस्सा हुआ और उससे कुछ बोलने के लिए जैसे ही पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल वो औरत वहां थी ही नहीं। मैंने अपनी नजरों को इधर उधर दौड़ाया मगर वो औरत मुझे कहीं नहीं दिखी। मगर ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अभी अभी उस औरत से टकरा कर नीचे गिरा था, तो वो औरत गई तो गई कहाँ। खैर मैंने अपना बाइक उठाया और स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। गिरने के कारण मेरे सारे कपड़े खराब हो चुके थे और मेरी बाइक पर भी अच्छा खासा डैमेज हुआ था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था, वो भी इतना ठंडा कि मेरा कंधा एक पल को सुन्न पड़ गया था। तभी मैंने तिरछी नजर से जब उस कंधे की ओर देखा तो मेरे होश फाकता हो गए। दरअसल मेरे कंधे पर एक औरत का हाथ था। मैंने झट से बाइक रोका और जब पीछे पलटकर देखा तो मेरे कंधे की तरह ही मैं सुन्न पड़ने लगा और मेरा पूरा शरीर अंदर ही अंदर कपकपाने लगा। दरअसल ठीक मेरे पीछे वही औरत बैठी हुई थी जिससे थोड़ी देर पहले टक्कर खाकर मैं गिरा था। उस औरत की शक्ल मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। उसकी पूरी शक्ल में कीड़े रेंग रहे थे। उससे पहले कि मैं उसे कुछ बोल पाता, उस औरत ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया और टान कर मुझे रास्ते के किनारे एक पेड़ के पास ले आई और एक भारी सी आवाज में कहा, तू भी मरेगा आज। उस औरत के इतना बोलते ही उस पेड़ के ऊपर से एक रस्सी का फंदा लटकाया। उस औरत ने मुझे एक हाथ से उठाकर मेरे गले को उस फंदे में फंसा दिया और दूसरी तरफ की रस्सी को खींचने लगी। अभी मैं उस फंदे से लटककर मरने ही वाला था कि तभी वहां एक आदमी आ पहुंचा जिसे देखकर वो औरत एकदम से गायब हो गई। उस औरत के गायब होते ही वो रस्सी भी छू मंतर हो गया और मैं धड़ाम से जमीन पर जा गिरा, जिस पर उस आदमी ने मुझे सहारा देकर उठाया और कहा, जल्दी मेरे साथ चलो वरना वो तुम्हें मार देगी। मैं भी बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी के साथ चलता बना। थोड़ी दूर चलने के बाद वो आदमी मुझे एक घर के भीतर ले आया। देखने से तो वो घर काफी पुराना सा लग रहा था। मैंने मदद के लिए दो तीन बार घर पर कॉल भी किया लेकिन मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। मुझे काफी परेशान और डरा हुआ देख उस आदमी ने कहा, डरो मत कुछ नहीं होगा। जिस पर मैंने कहा, वो औरत कौन थी और मुझे क्यों मारना चाहती थी। जिस पर उस आदमी ने कहा, वो औरत एक चुड़ैल है और वो तुम्हें नहीं बल्कि अकेले में किसी को भी पाकर मारने की कोशिश करती है। इस पर मैंने कहा, मगर क्यों, सभी ने उसका क्या बिगाड़ा है। जिस पर उस आदमी ने कहा, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। मेरे पूछने पर आगे उस आदमी ने बताया, आज से 12 साल पहले इस गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। पत्नी काला जादू और डायन विद्या सीखा करती थी जिससे वो सभी गांव वालों को काफी परेशान किया करती थी और छोटे बच्चों की बलि देती थी। उसका पति राजू भी उसके इस काम में मदद करता था। लेकिन ये बात एक दिन सारे गांव वालों को पता चल गई, जिसके बाद गांव वालों ने गुस्से में आकर उन दोनों को उसी पेड़ में फांसी से लटका दिया और मारने के बाद उनकी लाश को चील कौओं को खाने के लिए जंगल में फेंक आए और तब से उनकी आत्मा वहीं भटकती रहती है। उस आदमी से इतना सुनने के बाद मेरे जहन में एक सवाल दौड़ने लगा कि उस चुड़ैल ने इस आदमी को कुछ क्यों नहीं किया। मैं इस सवाल को ज्यादा देर तक अपने मन में रख नहीं सका और मैंने उस आदमी से कहा,
आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है और उस चुड़ैल ने आपको कुछ क्यों नहीं किया? इस पर उस आदमी ने कहा, मेरा नाम राजू। उस आदमी के इतना बोलते ही मेरे शरीर में वापस से करंट दौड़ने लगा और उसके इतना बोलते ही मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया कि तभी उस आदमी ने एक भारी सी आवाज में कहा, हाँ मैं वही राजू हूँ जिसे गांव वालों ने 12 साल पहले मार दिया था। अब उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था, उसके चेहरे पर भी कीड़े रेंगने लगे थे। मैं उठकर जैसे ही दरवाजे की तरफ दौड़ा कि तभी धड़ाम से दरवाजा खुला और दरवाजे के बाहर वही चुड़ैल खड़ी थी। मैं अपने आप को मरा हुआ मान ही चुका था कि तभी मुझे बाहर से काफी शोर शराबा सुनाई पड़ने लगा, जिसके आवाज से वो चुड़ैल और वो भूत हवा में धुआं होकर कहीं चले गए। मैं भागकर जैसे ही बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरे सारे दोस्त और घर वाले एक साथ में इधर ही आ रहे हैं। फिर मुझे पता चला कि काफी देर तक घर नहीं पहुंचने के कारण मेरे दोस्त और घर वाले मुझे ढूंढते ढूंढते मोहन काका के दुकान तक जाने लगे, जहां उन्हें उसी पेड़ के पास मेरी बाइक गिरी हुई मिली, जिससे उन्हें पता चल गया कि मेरे साथ हुआ क्या है और इस तरह से मेरी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।